हजरत ये है जबरदस्त, जिसमें निकलेगी बड़े बड़े स्टार्स की छोटी छोटी बातों की बारात। जबरदस्त की ये सबसे स्पेशल सौगात कि हम कह के लेते हैं इन सेलेब्स की क्लास। और आज जबरदस्त में आई है बारी इनके सुपरस्टारी एटीट्यूड की। सो अब शुरू करते हैं आज के एटीट्यूड से भरे जबरदस्त या एटीट्यूड स्पेशल को, जिसमें कहीं एसआरके के एटीट्यूड का धुआं है तो कहीं सल्लू बाजी का लोकल फॉरेन ट्रिप। तो बस बादशाह देर किस बात की, शुरू करते हैं जबरदस्त 10। जबरदस्त नंबर 10 पर है प्रोड्यूसरों को टेंशन देती सिलिकॉन नारी कुमारी कंगना रनौत। मैडम खेंगी की बॉडी में जैसे जैसे सिलिकॉन नामक मटेरियल की बढ़त हुई है, उनके भीतर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ साथ एटीट्यूड के बढ़ने की भी खबर आई है। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद खेंगी बेबी सिलिकॉन के साथ साथ एटीट्यूड भी इम्प्लांट करवा रही है, वरना बॉलीवुड में कभी यह नौबत नहीं आती कि डबल धमाल की यूनिट को कंगना के एटीट्यूड का शिकार होना पड़ता। और सुनने में आया है कि उसके बाद मैडम जी जो वैनिटी वैन में घुसी तो उन्होंने बाहर निकलने से ऐसा मना कर दिया जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स विवेक ओबेरॉय की मूवीज रिलीज करने से इनकार करते हैं। बताया जाता है कि खेंगी बेबी को लगा था कि यूनिट के कुछ लोग उनके खिलाफ रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, इसलिए वो पूरे दिन वैनिटी वैन से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। कई लोगों ने यह शक भी जताया है कि यह तो सिर्फ एक एक्सक्यूज था, शायद खेंगी बेबी वैनिटी वैन में कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रही होंगी, क्योंकि इन दिनों वो इतना फ्रीक्वेंटली सर्जरी करा रही है कि कभी कभी वो खुद भूल जाती है कि वो एक्चुअली दिखती कैसे है। बाकी एक्ट्रेसेस अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट लेकर घूमते हैं, यू नेवर नो, खेंगी बेबी अपने साथ अपना कॉस्मेटिक सर्जन लेकर घूमती होंगी। मतलब कहने का ये कि खेंगी बेबी को पड़ा है उनके एटीट्यूड का डोज इतना भारी कि इस काउंटडाउन में नंबर 10 पर आ गई है ये प्लास्टिक की नारी। 9 नंबर 9 के झका स्पॉट पर है तड़कते फड़कते इंटरनेशनल स्टार माय नेम इज लखन यानी कि अपने अनिल कपूर, जिनकी एक्टिंग की दुकान बॉलीवुड में अब जाके सेकंड इनिंग्स पर पहुंच ही रही थी कि उनको काट लिया हॉलीवुड या बग ने और वो यहाँ से भाग लिए हॉलीवुड। अनिल मियां ने यहाँ वालों को वहाँ के नाम सुना सुना के प्रोजेक्ट्स गिना गिना के ऐसे एटीट्यूड दिए, ऐसे एटीट्यूड की लोगों को लगने लगा कि वो हॉलीवुड के KRK तो नहीं बन गए। और MI4 में भी उनका रोल इतना चिंदी था कि उसके सामने अभय देओल का आयशा वाला रोल भी तगड़ा नजर आने लगा। सवाल सबके मन में ये था कि ऐसे चिंदी रोल्स के लिए हिंदी रोल्स छोड़ना और यहाँ की जनता को एटीट्यूड का घोल पिलाना कहाँ की समझदारी है भाई। हाँ, अगर आपको आपके घने बालों और बॉडी लैंग्वेज की वजह से हॉलीवुड वाले राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में किसी एप का रोल दे दें तो फिर भी आपका एटीट्यूड लोग सेंड कर लेते। तो ये अनिल जी समझ जाओ कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे, इसलिए टॉम क्रूज को बने रहने दो हॉलीवुड का हीरो और आप अपना ये एटीट्यूड त्याग करके वापस आ जाओ बॉलीवुड। सो कीजिए फालतू फोकट एटीट्यूड से तौबा तौबा, क्योंकि यही एटीट्यूड आपको ले आया है और नंबर 9। 8 बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी तो आपने सुना होगा, मगर इस काउंटडाउन में है बाप 9 नंबरी तो बेटी 8 नंबरी। जी हाँ, नंबर 8 इज सोनम कपूर, जो सर से लेकर पांव तक भरी हुई है एटीट्यूड से। कभी कोस्टार्स को वो हूल दे देती हैं तो कभी अपने सीनियर्स के ऊपर लगा देती हैं लांछन। सोनम मैडम के नाज नखरों की लिस्ट बनाने बैठे तो 2-3 सालों तक जबरदस्त में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बातें होती रहेंगी, इसलिए क्योंकि सोनम ने कभी रणबीर की बैंड बजाई तो कभी इमरान खान की, कभी अभय देओल की तो कभी बाकी स्टार्स की, और हर बार उन्होंने ये किया कुछ न कुछ कहकर। और सिर्फ को स्टार्स की नहीं बल्कि उन्होंने तो अपने मेंटर संजय लीला बंसाली को भी नहीं छोड़ा है एक शो में, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि बंसाली को ब्लैक और ब्लू के अलावा और भी कलर्स चाहिए लाइफ में। हेलो कल्लू बात, छोटा मुंह बड़ी बकवास वाला ये एटीट्यूड अब बन चुका है सोनम की पहचान। और उनके एटीट्यूड के शिकार हुए लोगों ने किसी दिन कोई गैंग बना लिया तो उसकी जनसंख्या भूटान जैसे देश की जनसंख्या से डबल होगी। सोनम ने पंकज कपूर जैसे सीनियर एक्टर और जूनियर डायरेक्टर को मौसम के सेट्स पर एटीट्यूड देकर कह दिया था कि उनको मिला रूम बकवास है। बाद में मूवी के म्यूजिक रिलीज पार्टी में पंकज मियां ने सोनम को एक पेन गिफ्ट किया, शायद वो बताना चाह रहे होंगे कि सोनम के साथ काम करना कितना पेनफुल है और इसलिए नौटंकी नारी सोनम है अपने एटीट्यूड के ड्रम के साथ इस काउंटडाउन में नंबर 8 पर।
और इससे पहले कि और बड़े बड़े स्टार्स दिखाएं अपने एटीट्यूड का जलवा, ले लेते एक छोटा सा झटाक फटाक कमर्शियल ब्रेक। आप प्लीज बिना एटीट्यूड दिखाए कीजिए वेट, ओके? हम बस जूम गए और जूम आए। हाँ जी, तो वेलकम है आप सबका एक बार फिर से जबरदस्त में। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं बॉलीवुड स्टार्स के एटीट्यूड के जलवों का ये सुपर डुपर झनाटेदार काउंटडाउन, जिसमें अगला नंबर लगा है 7। नंबर 7 पर है अपने फोकटिया एटीट्यूड के फट्टे चकते हुए विवेक ओबेरॉय, जिनके एटीट्यूड का तो बैड लक ही खराब है जी। जब भी वो एटीट्यूड का बूमरैंग फेंकते हैं, वो उतनी ही जोर का जूमरैंग बनकर सीधे उनके सर पर आ लगता है। विवेक भैया ने कई साल पहले सल्लू पाजी के फोन कॉल्स पर उछलते हुए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनको बॉलीवुड के सारे बड़े फिल्म मेकर्स ने ऐसे हकाल दिया जैसे लोग आफ्ताब शिवदसानी की मूवीज को थिएटर से हकाल देते हैं। मगर जो अपनी गलती से सबक ले ले, उसे इंसान कहते हैं। और विवेक भैया तो इंसान ही नहीं है, उन्हें तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, रॉयल फुट इन द माउथ सिंड्रोम। और इतने सालों तक सल्लू के सामने कभी हाथ जोड़ के, कभी कान पकड़ के माफी मांगने के बाद जब विवेक की दाल नहीं गले, तो उन्होंने पकड़ ली वापस पंगों वाली गली। और अपनी रिसेंटली लॉन्च मूवी शेर की तारीफ मारने के चक्कर में उन्होंने सल्लू की मूवी एक था टाइगर पर एटीट्यूड भरा कमेंट मार के कह दिया, शेर इज बिगर देन टाइगर। भैया विवेक इतने बड़े बोल क्या बोलना, जिनका की झोल आप खुद नहीं संभाल पाते। सुनने में आया है कि उनकी ये एटीट्यूड भरी वाणी सुन के उनको शेर से भी ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया गया था, पर ले देख के मामले संभलाए। वैसे भी सल्लू भाई की तरह ही बॉक्स ऑफिस भी आजकल आपको अवॉइड करने में यकीन रखने लगा है, सुधर जाओ वरना आपकी महा एम्बिशियस मूवीज और उससे भी एम्बिशियस एटीट्यूड का अंजाम किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आप आ गए अपने फालतू के एटीट्यूड के साथ इस काउंटडाउन में नंबर 7 पर। 6 और नंबर 6 पर हैं छोटी हाइट और बड़े एटीट्यूड के मालिक शाहिद कपूर, जो साइज में इतने छोटे हैं कि मौसम में उनके प्लेन को रेडार भी इग्नोर मार देता था। वो साइज में जितने नन्नी मुन्नी हैं, उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम उतने ही बड़े है। सुना है वो पूरे टाइम अपने बैग में एटीट्यूड के चूरन की पुड़िया लेकर चलते हैं और अपने डायरेक्टर्स को जब मर्जी तब चटाते फिरते हैं। उनके इस एटीट्यूड के चूरन का स्वाद अब तक केन घोष से लेकर विशाल भारद्वाज और परमीत सेठी तक सब के सब चाट चुके हैं। केन घोष को उनकी मूवी चांस पे डांस के लिए तबीयत से एटीट्यूड दे चुके शाहिद मियां को एक दिन अचानक एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ कि उनके टीनेजर साइज ब्रेन में जबरदस्त मार्केटिंग आइडियाज आ सकते हैं। फिर क्या था, उन्होंने आव और ताव देखे बिना विशाल भारद्वाज जैसे सीनियर डायरेक्टर को कमीने की पब्लिसिटी और मार्केटिंग के टिप्स देने शुरू कर दिए। आई लव विशाल ने शायद उनको समझाने की कोशिश भी की हो, मगर शायद मियां बात मान जाए तो बात ही क्या। सुनने में आया है कि दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली थी। इसके बाद बदमाश कंपनी की बैंकॉक शूट में उन्होंने डायरेक्टर परमीत को भी रीटेक्स की परमिट देने से इनकार कर दिया था। लगता है ये डायरेक्टर्स बेचारे शाहिद की हरकतों से परेशान होकर ही अपनी मूवीज के नाम ऐसे रखते हैं, कमीने बदमाश कंपनी। वैसे सिर्फ डायरेक्टर्स को ही नहीं, शाहिद अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी एटीट्यूड दे देकर वेजिटेरियन बनाने पे तुले रहते हैं, जिसकी वजह से वो अब तक न जाने कितनी हॉट चीज से हाथ धो बैठे हैं। कैन यू ब्लेम देम, तो अपने एटीट्यूड से बाज आ जाइए, क्योंकि आपके ये बेफजूल का एटीट्यूड आपको ले आया है इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 6। 5 और नंबर 5 पर हैं अपने फोर्सफुल जॉन बाबा। हाँ जी, वही हु पुट्स द वुड इन बॉलीवुड विद हिज वुडन एक्टिंग। जॉन ने बॉलीवुड में जमे रहने के लिए क्या नहीं किया, 8-pack abs बनाए और कहा कि ये सब तो हीरो लोग आजकल शो ऑफ करने के लिए करते हैं, मेरे पैक्स तो शुरू से ही ऐसे हैं। वाह जॉन भाई, बिसाइड द 8-packs यू डेफिनेटली आर पैक्ड विद अ लॉट ऑफ बेमतलब का एटीट्यूड, बिकॉज बॉलीवुड में सिर्फ पैक से काम नहीं चलता, एक्टिंग आनी चाहिए वरना करियर का पैकअप हो जाता है, जैसे कि कुछ टाइम पहले आपके साथ करीब करीब हो चुका था। तो अपना ये 8-packs वाला एटीट्यूड ना ही दो आप तो अच्छा है। अपने पैक वाले एटीट्यूड के टाइम टाइम फिस होते ही जॉन भैया ने एक और ऊंचा वाला एटीट्यूड दे दिया, ये कहकर कि वो भी साल में एक ही फिल्म करते हैं, यू सी, बिल्कुल आमिर की तरह, यू सी।
फिर भी मीडिया वाले आमिर को परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उनको नहीं। वारे जॉन और वह आपका एटीट्यूड। और वैसे भी एक ही मूवी बोल के आपने कैसी कैसी चालू टाइप की मूवीज की हैं, उनके नाम गिराने लगे तो आपकी बोलती बंदर खटिया खड़ी हो जाएगी। नो स्मोकिंग और झूठा ही सही टाइप की मूवीज करके आप अपने आप को आमिर जैसा परफेक्शनिस्ट समझने लगे हो तो जाग जाओ जॉन, जाग जाओ, क्योंकि आपका ये 8 पैक्स और 1 मूवी अ ईयर करके आमिर बनने वाला एटीट्यूड आपको ले आया इस काउंटडाउन में नंबर 5 पर। 4 नंबर 4 पर है कुमारी बेबो उर्फ करीना कपूर। उनके टेंट्रम्स के तंबूरे में से कब किस एटीट्यूड के तार झंझला उठे और किस फिल्म मेकर की लाइफ में ट्रेजेडी की सारंगी बज जाए, ये कोई नहीं कह सकता। कभी वो एटीट्यूड देकर मिनरल वाटर में नहाया करती थी, वाओ। आजकल वो फिल्म मेकर्स के आंसुओं का शावर लेना पसंद करती है और उनके ताजे तरीन शिकार हुए मधुर भंडारकर जिनको मैडम बेबो ने एटीट्यूड देते हुए बोल दिया कि वो ऐसे किसी एरोगेरे नथुखेरे बी लिस्ट स्टार के साथ काम नहीं करेंगी। उनके लिए मधुर को कोई बड़ा स्टार साइन करना पड़ेगा। एक तो भंडारकर अंकल उसी टाइम ऐश्वर्या राय की प्रेगनेंसी से मार खाकर उठे थे, उस पर बेबो मैडम के एटीट्यूड के जलवे। इतना ही नहीं, अब तो आपके एटीट्यूड का शिकार हो चुके हैं बेचारे संजय लीला बंसाली, जिनकी राम लीला साइन करके आपने बोला था कि ये मूवी आपके करियर का माइलस्टोन साबित होगी, मगर अब माइलस्टोन को माइल्स पीछे छोड़कर आपने डेट्स और पैसों का इशू बनाकर एटीट्यूड की कल्टी दे दी है मिस्टर बंसाली को। हाय रे बेबो का ये एटीट्यूड और हाय रे उनके एटीट्यूड की चक्की में पिस्ते बेचारे फिल्म मेकर्स। बेबो मैडम अपना रवैया सुधारो, क्योंकि आपको तो आपके अपने बॉयफ्रेंड सैफ तक एक एजेंट विनोद छोड़कर अपनी किसी मूवी में साइन नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि आप ना तो होम प्रोडक्शन यानी घर की रहे ना घाट की, इसलिए फौरन कीजिए अपने एटीट्यूड का साइज भी साइज 0, क्योंकि आपका ये एटीट्यूड ही आपको ले आया इसके अनुदान पर नंबर 4 पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है अब नंबर आएगा इस काउंटडाउन के टॉप 3 स्टार्स का, और उससे पहले रिवाज है एक नन्हे मुन्ने ब्रेक का, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, स्टार्स के एटीट्यूड का टेंशन अभी लौटेगा जबरदस्त पर। हेलो जी, हेलो, माइक टेस्टिंग, और ये आ गया जबरदस्त का टाइम। वेलकम बैक, और अब नंबर है हमारे टॉप 3 एटीट्यूड मास्टर्स का, और कौन है वो 3? 3 जबरदस्त। नंबर 3 पर एटीट्यूड की खदान मिस्टर शाहरुख खान, जिनका एटीट्यूड के जलवे हैं कुछ ऐसे कि लगता है शाहरुख मियां को अपना नाम बदल के रख लेना चाहिए नारुख खान, क्योंकि वो आजकल किसी के रोक के नहीं रुकते और अपने एटीट्यूड का रुबाब झाड़ के निकल लेते हैं कहीं भी। हाँ। ऐसी एक हरकत उनको पड़ गई भारी जब उन्होंने अपने आप को एटीट्यूड का VIP समझ के स्टेडियम में घुसने की कोशिश की और उनके हाथ ही जैसे एटीट्यूड को मक्खी की तरह उड़ाते हुए सिक्योरिटी वालों ने उनको धर दबोचा। SRK को इतना गुस्सा रावण के पिटने पे भी नहीं आया था जितना कि उस गार्ड की हरकत पर आया, और उन्होंने अपनी भड़ास निकाल डाली बेचारे गार्ड पर और चन चन कर ऐसी ऐसी गालियां दी कि उन गालियों को कलेक्ट करके 1001 गालियां नाम की बुक पब्लिश की जा सकती है। खैर, इस फोकट चंद एटीट्यूड से SRK को फायदा तो कुछ हुआ नहीं, लगे हाथों उनकी स्टेडियम एंट्री पर बैन लग गया। एलो कल्लो बात यहीं पर निपट जाती तो गनीमत थी, मगर SRK के एटीट्यूड की टंकी अभी भी फुल थी। और फिर SRK ने जो एटीट्यूड का धुआं उड़ाया तो फिर से पड़ गए उनको लेने के देने। वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जिंदगी के साथ निभाते हुए नजर आए, मगर इसके साथ रावण से जुड़ी हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए भी पकड़ गए। नो स्मोकिंग जोन में सुट्टा मारने वालों के साथ जो हजर होता है वही हुआ SRK के साथ भी। स्टारी एटीट्यूड में उन्होंने जो दम मारो दम किया था उसके लिए वो आ गए लपेटे में और उनको लगाने पड़ गए कोर्ट कचहरी के चक्कर। अब भैया SRK, माना कि आप स्टार टाइप के बंदे हो, मगर उसका मतलब ये नहीं कि रावण जैसी मूवी में मेहनत करके स्टेडियम में कश लगाओ और खुद को मेहनत कश समझो। आपका चिल्ला है बैड लक भी खराब, उसमें ऐसा एटीट्यूड आपको शोभा नहीं देता जना, क्योंकि आपका यही एटीट्यूड आपको ले आया हमारे इस खानदान में नंबर 3। जबरदस्त।
और नंबर दो पर है मन बलवान एटीट्यूड चट्टान हर मामले में आगे होड़ होड़ दबंग सल्लू भाई। सल्लू भाई का सीन कुछ ऐसा है जी कि उनका एटीट्यूड हमेशा उनके हुड पर बैठा रहता है, शायद इसलिए सॉन्ग में लोग बोलते हैं हुड हुड दबंग। और एटीट्यूड की दबंगई दिखाने के मामले में वो रहते हैं हमेशा रेडी। उनके एटीट्यूड के सामने यशराज भी फ्लश राज बन गया है, क्योंकि सल्लू मियां ने एक बार कमिटमेंट दे दिया तो फिर तो वो खुद की भी नहीं सुनते। और जो बंदा खुद की नहीं सुनता वो किसी और की क्या सुनेगा जी। इसलिए उन्होंने डायरेक्टर कबीर खान की एक ना सुनते हुए कहा कि उनको शॉट के लिए बुलाने के लिए कोई भी असिस्टेंट नहीं आएगा, जब उनका मन करेगा वो विनिटी से बाहर आएंगे और अपना शॉट देंगे। इसी भाई भाई अब बोलो कभी सुना ऐसा एटीट्यूड। मामला इतने पे ही सलट जाता तो कबीर खान चैन की नींद ले लेते। फिर मूवी का एक प्रमोशनल वीडियो शूट होना था मोरक्को में, लेकिन सल्लू भाई ने इधर भी दिया फुल ऑन एटीट्यूड और बोल दिया मेको मोरक्को जाने का नहीं, मोरक्को को मुंबई लाओ। ओके बेचारे भाई, अरे भले मरते क्या ना करते। सल्लू पाजी के एटीट्यूड को सराखों पर रखते हुए उन्होंने मुंबई में ही मोरक्को का सेट लगाया और काम पूरा किया। इतना ही नहीं, सल्लू पाजी ने एक थर्ड टाइगर की स्टोरी में भी अपनी एटीट्यूड भरी नाक घुसा के उसमें चेंजेस करवाए हैं। और सुना है कि मूवी के ट्रेलर्स भी सल्लू पाजी की पसंद के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। जय हो एटीट्यूड मैया की और जय हो एटीट्यूड के उपालनहारे सल्लू भैया की, जिन्होंने अपने एटीट्यूड की धुन पे यशराज जैसे बड़े स्टूडियो को भी नाच नचा के यस यस करवा के यस राज बना डाला। और अपने इन स्टारी एटीट्यूड के साथ आ गए इस खानदान में नंबर टू पर। नंबर वन पर है एटीट्यूड की बड़ी जंग, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अब तक आए एटीट्यूड के मारो के रंग। नंबर 10 पर प्रोड्यूसर्स को एटीट्यूड देती है अपनी फैंसी वैन में बंद कंगना रनौत। हिंदी मूवीज को एटीट्यूड देके हॉलीवुड में चिंदी रोल्स करते अनिल कपूर। और नंबर 9 पापा के नक्शे कदम पर चलती है एटीट्यूड की मूर्ति सोनम कपूर। नंबर 8 पर। नंबर 7 पर अपने एटीट्यूड का बोझ धोते मिट्टी के शेर विवेक ओबेरॉय अपने डायरेक्टर्स को दो बूंद एटीट्यूड की पिलाते शाहिद कपूर। और नंबर 6 ले देखे एक फिल्म करने वाले जॉन का परफेक्शनिस्ट कहलाने वाला एटीट्यूड। और नंबर 5 फिल्म मेकर्स के आंसुओं के शावर से नहाती एटीट्यूड क्वीन बेबो। और नंबर 4 नो स्मोकिंग में एटीट्यूड का धुआं उड़ाते हैं एसआरके। और नंबर 3 यशराज को अपने एटीट्यूड पर टीनी का नाच नचाते सल्लू भाई। और नंबर 2 1 जबरदस्त। और अब आई है नंबर 1 की बारे, जहां आसन जमाए बैठे हैं अपने आमिर खान, जो आजकल एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन बैठे हैं, और अमोल गुप्ते जैसे मासूम बंदे के हाथों से पूरे एटीट्यूड के साथ मूवी छीनकर डायरेक्टर्स हेड भी बन चुके हैं। आमिर के एटीट्यूड की क्या दाद दे कि वो उलझ पड़े जावेद अख्तर से। मुद्दा था सॉन्ग्स पर लिरिसिस्ट और कंपोजर्स की रॉयल्टी का, आमिर मियां ने एटीट्यूड दे डाला जावेद साहब को ये बोलकर कि सॉन्ग्स के हिट होने में लिरिसिस्ट का कोई हाथ नहीं होता, सॉन्ग्स तो स्टार्स हिट बनाते हैं। ये एटीट्यूड दे के बेचारे आमिर मियां अपनी कॉलर भी नहीं उचका पाए थे कि जावेद साहब ने पलट के आमिर की ही ले डाली क्लास। ये बोल के कि आपका पहला हिट सॉन्ग पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा था, उस सॉन्ग ने आपको स्टार बनाया या आपकी वजह से वो सॉन्ग चला? बस जी, फिर क्या था, आमिर के एटीट्यूड की हवा फुसकी बम की तरह निकल गई और बाल जल आमिर मियां ने इस डिबेट और कमिटी को अपना रेजिग्नेशन देकर बाहर का टिकट कटा लिया। टिकट अभैया आमिर, एटीट्यूड देने के पहले आसपास देख लिया करो कि सामने कौन बैठा है। बिग बिग और एंग्री यंग मैन बनाने वाले जावेद साहब के अंदर अभी भी एक एंग्री यंग मैन है मालूम। और इससे पंगे लेने या उसको एटीट्यूड देना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। हर कोई अमोल गुप्ते नहीं होता जो चुपचाप आपके एटीट्यूड को झेल जाए, इसलिए आप अपने परफेक्शन वाले एटीट्यूड में मन लगाए, ना कि अपने इस एटीट्यूड में परफेक्शन लाने में, क्योंकि इसी एटीट्यूड ने आपको दिला दिया इस काउंटडाउन में नंबर 1 की कुर्सी। और इसी के साथ आज का एटीट्यूड के मसाले से भरपूर जबरदस्त का ये एपिसोड होता है यही खत्म। अगले एपिसोड में फिर मिलकर लेंगे बॉली स्टार्स की क्लास क्लास। तब तक के लिए आप रहो बिंदास झकास और करते रहो टाइम पास देख के Zoom India's number one Bollywood channel। Hi, this is Omar Qureshi. Like Zoom TV on Facebook and get the latest spicy updates from Bollywood.